मैम एक गणपति के साथ में जाएंगे। आज से बोला यार तुम सोचते हो नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट क्या सर? मैम को आ गया ना तू ना तुम आगे मत जाओ, फेस नहीं आ रहा मैम। चलिए हो गया, वो हाँ का ले लेते जाइए तो गोविंद भाई इसको उठाओ, गणपति उठाओ, बोलना
लाल लेके बड़ा ला एक तरफ कर दो यार ये उठा ले दौड़ के चल चालू कर आज चली हां आज वाले शास्त्रों में तो मैं यही कहूँगा कि फेस्टिवल बहुत अच्छा है, ये हर साल होता है। माननीय लोकमान्य तिलक जी ने इसकी शुरुआत की है और कोई सोच से ये शुरुआत थी, आज ये बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया है। और ये बात ज़रूर है कि स्वच्छता की कुछ कमजोरियाँ हो रही है, लेकिन वो कुछ दिनों में धीरे धीरे जब लोग जागरूक हो जाएंगे, काफ़ी जागरूकता दिखी है। नहीं तो मुझे तो काफ़ी साफ लगा था कि यार हम लोग किधर साफ करेंगे, ऐसा भी मुझे लगा, क्योंकि नहीं तो जनरली पहले के मेरे एक्सपीरियंस बड़े अलग हैं, बहुत गंदगी होती थी। लेकिन अभी शायद लोग जागरूक हो गए हैं, धीरे धीरे और जागरूक हो रहे हैं और ये साफ़ सफाई चल रही है। आने वाले दिनों में इसमें और इम्प्रूवमेंट होने की संभावना नज़र आ रही है। क्या मैसेज देना, यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, जिस परिसर में रहते हैं वो साफ़ रहे, जहाँ हम काम करते हैं वो साफ़ रहे। और सबसे बड़ी बात भी मैंने दोहराया भी है कि हम अगर जो शास्त्रों को पढ़ें तो सफाई अभियान एक बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ दिनों से जो कुछ भी हमारे देश में घटित हो रहा है, उसमें से मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ जगह या परिसर की स्वच्छता ही ना हो, अपने मन की स्वच्छता भी हो, अपने स्वभाव की स्वच्छता हो, अपने एटिकेट की स्वच्छता हो, और इसी स्वच्छता से हम सब तरफ उस स्वच्छता को फैलाएँ, ताकि जिस तरीके से जो माहौल बन गया था बीच में वो ऐसा नहीं हो। और आज जब मैं आया तो मैंने देखा, जब तनुज जी और सब, मैं थोड़ा लेट आया बट जब तनुज जी और ये सब थे तो मुझे इमीडिएटली डिफरेंस दिखा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ कभी साइकिलिंग करके आता हूँ या कुछ करके आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ लोग कभी भी कैसे भी कचरा फेंकते हैं, यहाँ डस्टबिन्स भी नहीं है लोगों के लिए कचरा फेंकने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इशू है, और मतलब पूरा बीच बहुत गंदा था, मतलब ये अक्सा बीच बोलो, जू बीच बोलो, ये सारे बीचेस की हालत अब बहुत ख़राब हो गई है। तो मैं आया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जैसे सब मेहनत कर रहे थे और मैंने भी थोड़ा हाथ बटाया, और अब आप खुद देख सकते हैं कि कितना कितना क्लीन हो गया ये बीच। और आई एम ग्लैड हमने ये इनिशिएटिव लिया, और आई थिंक और लोगों को भी ये करना चाहिए। जी 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 मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप हम हमारा घर साफ़ रखते हैं, कोई अपना घर गंदा नहीं रखता, किसी को पसंद नहीं गंदे घर में रहना, वैसे ही ये देश भी मतलब हमारा घर ही है जो लोग यहाँ रह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एज अ सिटीज़न सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सराउंडिंग्स को साफ़ रखें, और गंदगी से हमें रहने में प्रॉब्लम तो होगी, साथ ही साथ उससे बीमारियाँ भी फैलती हैं और काफ़ी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अब आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की भी प्रॉब्लम है, जैसे कचरा पानी में जा रहा है और कितना कुछ हो रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है, और अभी हम लाइटली ले रहे हैं, लेकिन आगे जाके कुछ सालों में हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे गर्मी बढ़ रही है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है ऑलरेडी। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है, एंड आई होप सब जल्दी से जल्दी इसे रियलाइज़ करें
और साफ़ सफाई पे ध्यान दे, पॉल्यूशन कंट्रोल करने में ध्यान दे, और जो जो भगवान ने हमें जो रहने के लिए जगह दी है उसे रिस्पेक्ट करें। जी लाखों में जी बहुत अमेजिंग था। मैंने कुछ फिल्में की हैं, फरारी की सवारी, दंगल और ऐसे, तो ये सारी फिल्में फॉर्चुनेटली अभी तक जितने भी लोगों के साथ काम किया मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल आफ्टर लाखों में एक मैंने दो वेब शोज़ किए, फ्लेम्स और ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन विद पेरेंट्स, ये दोनों यूट्यूब पर हैं रिस्पेक्टिवली, और अमेज़ॉन के साथ एक और शो करूँगा शायद, और दो वेब शोज़ और हैं, एंड कुछ मूवीज़ की स्क्रिप्ट भी आई हैं तो वो पढ़ रहा हूँ, कुछ अच्छा लगे तो करूँगा। थैंक यू सो मच। चलिए तो आप दोनों से सबसे पहले तो सवाल है, जब आपने एंट्री मारी यहाँ पे, आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा कचरा फैला हुआ है, लोग नहीं है साफ करने के लिए, फिर हम देखते हैं कि एक टीम आ जाती है पूरी, इंक्लूडिंग निहारिका, इंक्लूडिंग आप और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या क्या कुछ देखा आपने, क्या जहन में आया जब आप यहाँ पे आए अक्सर बीच में? मेरे लिए तो पहली बार है बीच पे आके, मतलब सफाई करना, वैसे तो मैं आती रहती हूँ, मैंने शूट भी किया है बहुत बार बीच पे, और मेरे मन में यही भावना आती है कि लोग अपने इतने सुंदर बीचेस को साफ़ क्यों नहीं रखते। आज हमारा पानी भी नीला होता, मैं यही बोलना चाहूँगी, आज हमारा पानी भी नीला होता, लेकिन नहीं है। अच्छा लगा मुझे, आई थिंक इट्स वेरी नाइस कि मैंने एज अ गुड देश नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाती रहूँगी, चाहे लोग बदले ना बदले, लेकिन मेरी सोच आई होप अच्छे से अच्छे होती रहे, आई होप लोग में भी ये इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिखे मुझे। आप एक लेवल पे पहुँच चुके हैं आई एम श्योर। देखिए मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले से गंदगी कम हो चुकी है, इसका मतलब कि आप लोग एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी रास्ता आगे बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मुझे अभी जस्ट ये माई सेल्फ बॉबी कुमार, और मैं भी एक 16 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, और अभी एज ए डेब्यू कर रही हूँ एज ए डायरेक्टर ब्रीड मूवी से। तो अभी ऋत्विक ने जो एक इंटरव्यू दिया अभी जस्ट, उन्होंने बोला है कि जैसे हम अपने घरों को साफ करते हैं, तो वैसे ही हमारा फर्ज बनता है कि घरों को तो हम लोग साफ़ करते हैं, लेकिन बाहर की गंदगी को, बाहर अगर स्वच्छ रहेगा तो हमारा घर भी सुंदर होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम बाहर हम कितना भी अच्छा दिखाएं, साफ़ सुथरा दिखाएं, अगर हमारा मन साफ ही नहीं तो क्या फ़ायदा उस चीज़ करने का लिए। और यहाँ पर आके हमने जो किया है तो एक मैसेज है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि हम सेलिब्रिटी लोग जब ये काम कर रहे हैं तो आम आदमी को तो सबक मिलना चाहिए कि जब ये लोग झाड़ू लेकर ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो हर कोई इंसान क्यों नहीं कर सकता, बताओ। हम लोगों को भी ऐसा मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुआ कि हम ये कचरा उठा रहे हैं या कर रहे हैं झाड़ू ले रहे हैं, तो कुछ ऐसी बात थोड़ी है, बताओ। एक्टर भी तो एक आम आदमी इंसान की तरह ही तो होता है, उनकी भी लाइफ वैसी ही होती है, बस एक मेकअप करके हम अपनी ज़िंदगी को एक पर्दे पर जब दिखाते हैं करेक्टर के साथ में, वो अलग होती है, लेकिन हम वहाँ भी बहुत सफाई का ख्याल रखते हैं। हम लोग चाहे हम चाय पिए, कुछ भी पिए, वहाँ भी हम कहेंगे दादा या इसमें डालिएगा ऐसे, ये हम बहुत इस मामले में बड़ा, हम चाहते हैं कि सफाई रखो आसपास के माहौल को, और ख़ासकर अपने माइंड की जो गंदगी लोगों के बीच में है उसको दूर करो। और अब तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि 377 जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो ये इक्वल हो गया सब, जब हम लोग बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा ले रहे हैं तो भैया क्यों नहीं हो सकते, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। निहारिका फाइनल जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपना योगदान दे सकते हैं जब ऐसे कुछ? अपने प्रकृति के बारे में उतना ही सोचो जितना अपने परिवार के बारे में सोचते हो, यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मीडिया, थैंक यू सो मच, कर लो नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ देखिए सर, धीरेन भाई, ओके धन्यवाद, आइए नेक्स्ट, यहाँ देखिए भाई, धन्यवाद, नेक्स्ट आइए, यहाँ देखिए सर, भाई इधर देखिए, धन्यवाद, नेक्स्ट यहाँ देखिए, धन्यवाद,
इतना दूर क्यों खड़े हो गए? धन्यवाद। नेक्स्ट ओके डन। अबे पौधे लगे। वन टू थ्री गणपति बप्पा। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू डन सर। या या डन ना नहीं है ना कुछ नौ दिन कुछ खाने जाते हुए स्किन मुंबई स्वच्छ मुंबई जो भी कुछ बोलना है तो बोल स्वच्छ मुंबई मुंबई कर प्लीज कीप स्वच्छ मुंबई ऐसा कुछ बोल या मैं सब मुंबई का से ये दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमेशा अपने मुंबई को बहुत सुंदर और बहुत स्वच्छ रखें।